मैंने भाई को कहा कि पाकिस्तान के माशरती हालात बेहतर हो सकते हैं अगर हमारे रिलेशन, हमारे जो उनसे ताल्लुकात है वो हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ बेहतर हो जाए, तो ये कहते हैं कि भाई नहीं, कुछ भी हो जाए बेहतर नहीं होने चाहिए ताल्लुकात। आपके क्या राय इस बारे में, थोड़ा आगे आ जाए। नहीं नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, देखे ना होने के क्या फायदे हैं, ना होने के क्या नुकसान। कश्मीर का मसला हल ना हो तब तक कोई वो तो नहीं होने वाला, सही नहीं होने चाहिए। मसला है कश्मीर का, मसला क्या है जब हम कश्मीरियों को आजाद करवाएंगे। मैं मान जाऊंगा आप लोगों को जब आप लोग भाई इन इस भाई को समझा पाओगे। क्या मसला ये है कि हमारी एलीट ने एक पट्टी पढ़ाई हुई है आम आवाम को कि हम कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, पाकिस्तान की शाहराग कश्मीर नहीं है, बलूचिस्तान है, उसका हाल देखें जाके। आप कश्मीर को बना रहे हैं, कश्मीर को आप क्या दे सकते हैं, कश्मीर हमसे अच्छे अच्छे हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। बलूचिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, सब मुसलमान भाई हम हैं, ये जितने मुसलमान पूरी दुनिया है 57 ममालिक है। फलस्तीन के ऊपर कोई बोलता है आज, फलस्तीन के ऊपर कोई बोलता है नहीं, ठेका उठाना पड़ेगा ना, मुसलमान के लिए बोलना पड़ेगा, मुसलमान भाइयों के लिए बोलना पड़ेगा। आज फलस्तीन के लिए कोई बोलता है, इतनी गहरा जवाब नहीं देती। हम कह रहे हैं गजा को सपोर्ट करना चाहिए, फलस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। फलस्तीन के बारे बोलो आप, कश्मीर के बारे आप चले जाओ, आप जाके जंग कर रहा हो, आप क्या कर सकते हो। अल्लाह मुझे मौका दे, आप क्या करूंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुसलमान ममालिक जितने हैं, मैंने आपसे क्या बात की है, मैंने आपसे क्या बात की है, जितने मुसलमान ममालिक हैं हमें सबके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ तशद्दुद हो रहा है, जहाँ जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है उसके लिए हमें आवाज़ जद्दोजहद से उठानी चाहिए। हम लोगों का नहीं, अब बात सुने, क्या दुनिया को बताना चाहिए कश्मीर में क्या हो रहा है, बताओ आपको। बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। किसने बताया ये आप जिंदगी जी रहे हैं भजन। नहीं 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 ये बात गलत है, जो एक एक आर्टिकल खत्म किया, जो हकूक दिए, एक बाउंड्री लाइन है ना, बाउंड्री लाइन, उस पे एक कब्जा है। पेट्रोल की प्राइस क्या है, बड़े मामलात हैं। आप कश्मीर की बात करें, आज फलस्तीन देख लें आप, फलस्तीन किधर है की बात करें ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अब पाकिस्तान के अंदर ये मांग उठने लगी है कि भारत से हमें रिलेशन अच्छे करनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश बर्बाद हो रहा है, यहाँ पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी यूथ है जिनका कहना है कि हमें भारत से बिल्कुल भी जो रिश्ते हैं सामान्य नहीं करने चाहिए। इसी बात को लेकर कुछ लोग आपस में भिड़ जाते हैं। ये वीडियो हम लोग देखते हैं, वीडियो है डेली स्वैग का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई है उसके बारे में। फलस्तीन हमारा मुसलमान भाई नहीं है, छोड़ देना यार, मसला जो कश्मीर का हमारा उसके बाद सब ममालिक हम कन्फ्यूज हैं। कह रहा हूँ कि जहाँ जुल्म तशद्दुद हो रहा है ना मुसलमानों पे, उनके लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है। आवाज उठा क्या करोगे, पाकिस्तान में हो रहा है, अब क्या करोगे, पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान में आपके लिए क्या हुआ है मुझे बताएं, पाकिस्तान में मुसलमानों पर हो रहा है जुल्म, हो रहा है बताएं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको बेहतरी के लिए लेकर जाना चाहिए। सारा कुछ ही गलत हो रहा है, जो हमारे बड़े हैं उनको बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए। मैं तो पट्टी बांधकर घर सही नहीं कर सकते, बाहर क्या ठीक करेंगे। पट्टी बांधकर आप कहोगे कि भाई फलस्तीन का मसला, कश्मीर का मसला पहले हमें अपने मुल्क को ठीक करने की जरूरत है। मेरे भाई आप अगर कहोगे, अब इंडिया की बात आती है, जज्बाती हो जाते हैं हम, खाली जज्बाती में बह के पांचवी बड़ी मैशत बना ली इंडिया ने नरेंद्र मोदी ने। आपको पता है सऊदी अरेबिया और इंडिया की कितनी ट्रेड है। आप ये देखें, अगर एक इन्हें नहीं पता सऊदी अरेबिया बड़ा मुसलमान है या हम बड़े मुसलमान, सब मुमालिक जो है ना, मेरी बात सुने, यहाँ से जहद जो शुरू हुई मुसलमान भाइयों ने पाकिस्तान के अंदर से जदोजहद की है, सब कुछ किया। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान ने अपनी हर दफा कुर्बानियां दी हैं, हर दफा कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने आजाद कश्मीर भी, ये ना कहें कि कुर्बानी नहीं दी, कश्मीर का इलाका है ना, पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी हैं। इस चीज पे आप गलत कह रहे हैं, ज्यादा बांग्लादेश वालों ने ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने सारे ममालिक ने अगर दी है ना, तो सबसे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान ने दी। क्या कुर्बानी दी है, क्या कुर्बानी दी है, क्या कुर्बानी दी है भाई, बताएंगे आप, बताएं कुर्बानी से खाया है और क्या, जंगों की वजह से खाया है, कुर्बानी कौन सी दी है। वही तो वो अफगानिस्तान में जंग लग जाती थी, पहले रशिया आ गया, पहले मसला ये, पहले रशिया आ गया, हम डॉलर खाते रहे। आप अपने मुल्क की बात करें, जिधर का खाते हैं ना उसकी बात करनी है, वो पाकिस्तान है बस यार। पाकिस्तान के लेवल पे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है, लेकिन भाई इसे ठीक हमने करना है। वही तो कह रहा हूँ, बड़े हुक्मरान जो ये जो ये कहते रहेंगे बात नहीं करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, जब तक हुक्मरान ने ठीक होंगे सब कुछ नहीं ठीक हो सकता। हुक्मरानों को ठीक होना चाहिए, हुक्मरान ठीक हो गए, हमारी फौज ठीक हो गई, सारा कुछ मामला ठीक हो गए, तो इंशाल्लाह ये मुल्क ठीक हो जाएगा। हुक्मरान अगर हम फरिश्ता भी ले आए तो नहीं ठीक हो सकता, नहीं ठीक हो सकता। अगर हुक्मरान फरिश्ता भी आ जाए पाकिस्तान में, इस सिस्टम में नहीं ठीक हो सकता, हमारे सिस्टम की तब्दीली की जरूरत है, सिस्टम चेंज होना चाहिए। सिस्टम को ठीक करें, सिस्टम तब ठीक होगा जब हम लोग क्राउड ठीक होगा। नहीं, नवाज शरीफ की बात और नहीं ठीक होगा भाई, जब तक मैं ठीक नहीं होगा सिस्टम ठीक नहीं होगा। अगर हम सियासी बात पे आते हैं,
अगर हम सियासी बात पे आते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। इस टाइम बात हो रही है, उन्होंने जो सवाल किया वो मुल्क की बात की है, उन्होंने मुल्क की बात हो, सियासत से ही चेंज आ सकता है और कोई तरीका नहीं है चेंज करने। तब चेंज होगी जब हम लोग खुद ठीक हो जाएंगे। सियासत हमारा डिसाइड करती है बात, हमारा कल्चर क्या होगा। आज मैंने भाई से क्वेश्चन पूछा था कि खुशहाली कहां पर ज्यादा, भाई ने कहा कि मैं इंडिया के बारे में बात ही नहीं करूंगा। नहीं नहीं भाई, आपसे बात करना चाह रहा हूं, बिकॉज के आपका जो माइंड सेट, लड़ाई कोई नहीं है, एक मिनट, लड़ाई आपसे लड़ाई मेरी कोई नहीं है भाई। मैं जस्ट बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई जिनसे हम नफरत करते हैं, जिनको हम अपना दोस्त नहीं समझते, जिनको हम अपना दुश्मन, किसी से नहीं है। आपने कहा कि मैं नाम ही नहीं लेता। मैंने कहा है नफरत हम किसी से नहीं करते, हमारे साथ जितने ममालिक है ना, सब ममालिक हमारे लिए बजाते इज्जत है। पर बात ये है, सिर्फ मुसलमानों पे जो तशद्दुद करेगा, जो जुल्म करेगा, वो हमारा भाई नहीं है। बस इस बात से आखिरी भाई जवाब है मेरा यही कि मुसलमान भाई जो हमारे वहाँ फलस्तीन में हो रहे हैं, उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। जो जिधर तशद्दुद हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, आप आगे आइएगा, मैं आपसे लास्ट पे कुछ बातचीत करना चाहूंगा। ये वाली सोच जो हम सोचते हैं कि भाई मुसलमान के साथ जहाँ भी कुछ होगा, कि हमने यार ये बात कहनी नहीं चाहिए, शायद बुरी लग जाए सबको, कि हमने ठेका उठाया हुआ, अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे, अपने लोगों को आटा नहीं पूरा कर पा रहे, राशन नहीं पूरा कर पा रहे, गैस नहीं पूरा कर पा रहे, बिजली के बिल देखें, दुनिया में वाहिद पाकिस्तान है जहाँ पर 80 रुपए का यूनिट मिल रहा है, ये चीज़ें हम ठीक नहीं कर रहे, हम ठेका लेके बैठे। बेसिकली मसला ये है ना कि आपकी वैल्यू, आपकी बात की वैल्यू, आपके काम की वैल्यू तब होती है जब आपके पास कुछ हो। जब आपके पास कुछ हो ही ना, आप खुद मांग रहे हो, आप खुद भीख मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो, तो आपकी बात की क्या वैल्यू हो? आप करें सपोर्ट, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप करते रहे, बोलते रहे, कुछ भी, कोई भी नहीं मानेगा। जब तक आप अपना सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, आप अपनी वैल्यू नहीं बनाएंगे, आप अपने आप को एक खुददार कौम, अपने आप को खुददार मुल्क नहीं बनाएंगे, तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अभी तो हमारे ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है सेंट्रल एशिया, जो ये सऊदी अरेबिया वगैरह, उनके पास इतनी आर्मी नहीं है या आर्मी पावर नहीं है। ट्रेनिंग भी इंडिया के हमारे बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही, वहाँ पर चोलिस्तान है का पता नहीं कौन सा रेगिस्तान है वहाँ पर, सॉरी वही है जो बिल्कुल चोलिस्तान में, वहाँ पर नेवी को ट्रेनिंग दे रहे हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ पर इंडियन पहले हमारे यहाँ से फौजी जाते थे, वहाँ पर उनको नेवी को ट्रेनिंग देते, अब तो सारा रिजीम ही उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। क्यों किया ये? ऐसे ही है यार, मसला ये है ना कि हमारे पास हमारा जो सिस्टम है, अभी एक जा रहा है, हमारे पास एक 5 साल में कितने वजीर आजम चेंज हो जाते हैं, कोई कंटिन्यूटी नहीं है पॉलिसीज़ में। हमारी मईशत में, हमारी मईशत देख लें तो उसमें कोई ऐसी चेंज नहीं आई, सारी दुनिया में चेंज आ गया। अभी हम वहाँ पे ही खड़े हैं, चावल कुछ बरामद कर लिए, कुछ गंदम हमारी अपनी नहीं पूरी हो रही, ऊपर से कुछ चीनी पहले बरामद करते हैं फिर दरामद करते हैं, इस तरह हमारा सिस्टम चलता है। पहले हमें पता नहीं चलता कि हमें खुद भी ज़रूरत है, फिर पहले हम बेच देते हैं, फिर वापस खरीदते हैं, और फिर इस तरह डॉलर्स में फिर खरीदते हैं, फिर हमारे पास डॉलर नहीं बचते, फिर हम IMF के पास जाते हैं कि $1 अरब दे दें फिर कर्जा लेते हैं, और इस तरह हम कर्जों में धंसते जा रहे हैं। और अभी तो दोस्तों पाकिस्तान की जो आर्मी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो मीडिया है, वो क्या करता है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उनको पाकिस्तानियों को ज़्यादा दिखाता रहता है, और ये बताता रहता है कि भैया वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, फला देश के अंदर बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, जिससे पाकिस्तान के लोगों को लगे कि भैया वो बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि दूसरे देशों के अंदर तो उनको कोड़ों से मारा जा रहा है मुसलमानों को, तो उनको लगता है कि हम जहाँ पर हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं। आज के समय में फिलिस्तीन को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने इन सारी चीजों को कंट्रोल करके रखा हुआ है कि आपको अपने देश के बारे में बात करना है, फिलिस्तीन के बारे में बात नहीं करना है, और गाजा के और हमास के बारे में बात नहीं करना है। और इसी चीज को लेकर पाकिस्तान के लोग बहुत गुस्सा है, उनको लगता है कि गाजा के अंदर पाकिस्तान की आर्मी जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी कूदती है गाजा की लड़ाई के अंदर तो पाकिस्तान के जो हालात हैं इससे और बेकार हो जाएंगे। लेकिन ये बात इन जाहिलों के समझ में नहीं आती है, कश्मीर को लेकर बात करते रहते हैं, कश्मीर के लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ का जो यूथ है नए नए रोजगार कर रहा है, इसके अलावा नए नए बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है, जॉब्स मिल रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आज भी 3-3 किलोमीटर लाइन लगती है आटे के लिए, लोग जो है परेशान होते हैं खाने के लिए, दवाइयों के लिए, उन सारी चीज़ों पर बात ना करकर ये जाहिल बात कर रहा है कि दुनिया भर के अंदर जहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा वहाँ पर हम जो है बात करेंगे, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर ये बात नहीं करेंगे। ये जो और पाकिस्तान के इलाका हैं जैसे सिंध हो गया या अहमदिया मुसलमानों के ऊपर
जो जुल्म होता है उनके बारे में बात नहीं करेंगे, चाइना के अंदर जो जुल्म होता है उनके बारे में बात नहीं करेंगे, ये बात कहाँ करेंगे, सिर्फ भारत के बारे में और फिलिस्तीन के बारे में, क्योंकि ये इनको लगता है कि ये हमारे दोनों सबसे बड़े दुश्मन हैं। भारत के बारे में इनकी किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करता है, इसी वजह से ये कह रहा था कि मैं भारत के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा इनके दिमाग के अंदर भरा जाता है कि जो ज्यूज लोग होते हैं, मतलब यहूदी लोग होते हैं, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। तो ये दो कॉन्सेप्ट इनके दिमाग के अंदर पहले से डाले जाते हैं, इसी वजह से ये लोग इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा यूथ है, वहां की जनता है, अब ये डिमांड करने लगी है कि हमें भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए, क्योंकि टमाटर जो है पहले भारत से दुबई जाता है, फिर दुबई से पाकिस्तान आता है, इसलिए हमें 150 रुपए मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर लोगों ने घेर कर इसको धोया है कि भैया हमें पाकिस्तान के बारे में बात करने की जरूरत है, हमें दुनिया भर का ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।